हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि पता है कि आज शादी वाला दिन है और दूल्हे का और मम्मी पापा की जितनी भी रस्में थी सब खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है दूल्हे का जीजा जी और दीदी की सारी रस्में। तो यहाँ पे दूल्हे के जीजा को यानी कि मेरे हस्बैंड को लग रही है हल्दी। और यहाँ पे जितना दूल्हे के साथ हो रहा था ना, हल्दी लगती थी, काजल लगता था और पैर वैर रंगाता था, ये सब कुछ होने वाला हम लोग के साथ। और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है अपनी सालियों के साथ, भाभी लोग के साथ। और इन लोग का प्री प्लान था, इसलिए मैं साथ में नहीं बैठी थी। मुझे भी कहा जा रहा था कि दोनों एक साथ बैठो तो एक साथ दोनों का हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, लेकिन मुझे मालूम था ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं नहीं बैठी थी। मैं आसपास भी नहीं थी, मैं बिल्कुल अंदर थी। ये मुझे कहीं और से वीडियो मिल पाया है तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पास रहूँगी तो मैं भी इनके लपेटे में आ जाऊँगी। तो इनका सारा पैर रंगाएगा, काजल लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग मुझे भी सारी चीज़ें लगेंगी, फिर हम लोग चेंज करेंगे और फिर जो आगे की रस्में होंगी वो मैं फिर दिखाती हूँ आपको। रेडी होने के बाद ये रस्म शुरू हुई है। ये जो टोकरी होता है ना बांस वाली, उसके अंदर चावल रखते हैं, उसके अंदर मुझे बैठना होता है और जितनी भाभी लोग हैं या फिर दीदी लोग हैं उन लोग मिलके उठा के मुझे लाती हैं मंडप तक। मंडप के अंदर सारी रस्में करनी होती है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत हल्ला कर रही थी क्योंकि वो उन लोग से उठ नहीं रहे थे, सब इतना हंस रहे थे कि हंसने की वजह से वो अनबैलेंस हो रहा था और मैं बार बार गिर रही थी। मतलब दो जगह उन लोगों ने स्टॉपेज लिया, फिर लास्ट में फाइनली भैया आए कि हटो तुम लोग से नहीं होगा, फिर भैया मिलके फिर उठा के मुझे वहाँ तक लेके गए। फाइनली जैसे भी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और अब यहाँ की रस्में जो हो रही है शुरू। अब यहाँ पे मैं लावा तैयार करूँगी, यानी कि जो सात फेरों में दूल्हा और दुल्हन लावा लोकते हैं ना, जो धान का लावा गिराते हैं सात फेरों में, वो लड़का के यहाँ से जाता है, तो वही मैं लगी हूँ तैयार करने में। और जीजा जी का काम होता है आग जलाने का और दीदी का काम होता है इसको लावा भूनने का। तो आज के दिन का ये सबसे लास्ट रस्म होता है फ्रेंड्स हम लोग के लिए। अब बारात निकलने के समय थोड़े बहुत रस्म बाकी रहते हैं, तीन चार, तो इसके बाद हम लोग बारात के लिए रेडी होने चले गए थे, अपना नेक वेक जो भी था वो समेट के। और ये सबसे लास्ट रस्म है, इसके बाद सीधे गाड़ी में बैठना होता है दूल्हे को। तो रात के 8 या 8:30 बज गए थे ये सारे कार्यक्रम ख़त्म होने में और घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान हो गए थे, तो उसके बाद मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यहाँ भी कुछ मजाक मस्ती हो रहा था, उसके बाद हम लोग चलते हैं बारात के लिए। और बारात वाला शादी जयमाला का सारा व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो वीडियोज पे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा प्लीज। अच्छे लग रहे हो वीडियोज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।